हे गाइस, सुबह हो गई है। आज सोच रहा हूँ मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, इसलिए मैं आज हलवा बना दूँ। तो चलते हैं हलवा बनाने। सूजी ले लिया हूँ, आज हलवा खाने का मन कर रहा था, इसीलिए मैं जा रहा हूँ सूजी का हलवा बनाने। सूजी मैंने चाल लिया है, अब जा रहा हूँ उसको तेल में भूनने। कढ़ाई में जा रहा हूँ तेल डाल के सूजी को भूनने। सूजी को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है क्योंकि मेरा तेल गर्म हो गया था। अब मैं इसको हल्की आंच में भून लूँ ताकि नीचे जल ना सके। आंच को हमेशा, आंच की जो फ्लेम है वो हमेशा मध्यम होनी चाहिए, यानी धीमी होनी चाहिए ताकि सूजी जल ना सके। सूजी को गुलाबी होने तक भूनते रहें। हे गाइस, मेरा हलवा तैयार हो गया है। वैसे तो हलवा सूखा बनता है, पर मैंने हलवा को थोड़ा गीला बनाया है। ये देखिए, हलवा मैंने मम्मी को और सबको दे दिया है। हलवा बहुत अच्छा बना रहा है। अच्छा बना मम्मी, छुट्टी है इसलिए हलवा अच्छा हमको बना के आ गया। बहुत सुंदर हुआ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हे गाइस, हमने हलवा का नाश्ता कर लिया है, अब सोच रहे हैं कि कहीं चलते हैं, घूम आते हैं। हे गाइस, अभी अंकल जी का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है कि मुझे पीपल गांव छोड़ दो, तो मैं उन्हें जा रहा हूँ छोड़ने। घूमने तो जा ही रहे हैं, तो उन्हें भी साथ ले चलते हैं, उन्हें उनके घर छोड़ देते हैं। देख लो नानी, यही है ना मामा। नीशु अपनी नानी को हलवा दिखा रहा है, पीपल का। देख लो नानी और मौसी, यही सब है। सारी डियर वैली तक हम लोग पहुँच गए हैं। जी ससुर खदेरी के नाम से जानी जाती है। देखिए कितनी तेज़ हरी है, हवा अच्छी आ रही है, मज़ा आ रही है, हरियाली में मज़ा आ रही है। और ये देखिए घर घर कैसे टूटा है, ये घर रुक जाइए आप थोड़ा, ये देखिए कैसे टूटा है ये घर। घर खाली है, इसमें कोई नहीं रहता। मामा जा रहे हैं हमारे सामने, ये मामा जा रहा है हमारे आगे। गाइस अब स्कूल आने वाला है, तो क्या नाम है, नितिन ना? अंकल
बढ़ाओ तुम्हारा जीजा है। हाँ, तो गाइस ये देखिए यहाँ पे खेल का स्कूल आ गया है, ये देखिए खेलगांव पब्लिक स्कूल एंड क्लास स्टेशन। हे गाइस, हमारे यहाँ चावल और सोयाबीन की सब्जी बनी है, अब हम लोग जा रहे हैं खाने। खाना खाने के बाद जैसे हम लोग खाना खा के उठे तो तुरंत पानी बरसने लगा और हम लोग ऊपर गए गेहूँ उतारने लगे। हमारा गेहूँ जो है भीग गया है, गेहूँ हम लोग फैलाए थे, देखिए पानी बरस गया, पूरा गेहूँ ख़राब हो गया हम लोग का। अब जल्दी जल्दी गेहूँ से बटोर दिए, अब ये हल्का सा बचा है सिस्टर और अनिशु उठा रहे हैं। पूरा गेहूँ हम लोग का ख़राब हो गया है, थोड़ा मोड़ा बच गया है। ये देखिए गेहूँ उतार के हमने यहाँ रख दिए, इतना गेहूँ बच गया है, बस इतना गेहूँ। ये देखिए गेहूँ, वो एक बोरा गेहूँ थोड़ा सा ख़राब हो गया है, पीछे तो पूरा भीग चुका, भीग गया है गेहूँ। अरे मैं अभी तो भीग गया पीछे पूरा, पीछे से नहीं पूरा भीग गए हूँ। निशु, भीगते हुए मज़ा आया गेहूँ उठाने में? अरे मज़ा तो आया लेकिन थक गए। हाँ थकान तो हो जाएगी, हम लोग भी खूब मदद किए हैं। जब भीग गए थे तब जल्दी जल्दी किए। हाँ जब भीग गए तो आराम आराम कर रहे हैं, आपके पेट हो गए ना। भीग ही गए। गाइस देखिए पानी बरस रहा है अभी, और ए मामा ऊपर तो गेहूं था। हाँ उतार लिए। अच्छा हाँ देखो कितना अच्छा पानी बरस रहा है ना, मौसम दिखाओ, देखो पानी बरसता हुआ ना। गाइस देखिए पानी बरस रहा है, पानी बहुत तेज बरस रहा है, कितना अच्छा मौसम है। गाइस देखिए पानी बरस रहा है, कितना अच्छा सुहाना मौसम बन गया है, बड़ा तेज पानी बरस रहा है। अरे गाइस देखिए अभी तक पानी बरस रहा है, शाम को हम लोग घूम के आए हैं तो पानी बरस रहा है। थोड़ा डीम हो गया है पानी। देखो मैंने घड़ी बनाया है, कितना अच्छा बनाया है ना। हाँ कितना अच्छा बनाया नीशू ने, देखी कितना अच्छा घड़ी बनाया है। सीधा करो। हाँ आगे दिखा, आगे निशु ने घड़ी बनाया है, स्कूल में प्रोजेक्ट मिला इसलिए वो घड़ी बना रहा है। स्कूल का निशु ने घड़ी बनाया है। तक पानी बरस रहा है, मैं जा रहा हूँ निशु को सामान दिलाने, उसका चॉकलेट टॉफी इस तरह की और सामान है वही जा रहा हूँ दिलाने। अब मामा मुझे सामान दिला के आ गया है, उसको खाने। मैंने निशु को दुकान से दिला दिया। निशु तो पहले घर पे बोला था कि मुझे मामा ये दिलाओ, पर वहाँ दुकान पे जाके देखिए कहा कि मुझे ये चाहिए। ठीक है निशु खा लो फिर। हाँ
गाइस, मैं सामान दिलाने गया था तो जीजा आ गए घर पे। मैं जा रहा हूँ उन्हें नाश्ता देने। हे गाइस, जीजा घर पे आए हैं। जीजा BTC पास हो गए हैं। मैं उनको नाश्ता दे रहा हूँ, भीगते हुए आए हैं। जीजा BTC पास हो गए हैं। चलिए, अच्छा हुआ पास हो गए। अगले सेमेस्टर की तैयारी है। अच्छा, अगले सेमेस्टर की तैयारी है। चलिए ठीक है, उसमें बेस्ट ऑफ लक आपके लिए भी। जीजा BTC पास होने की खुशी में देखिए काजू कतली लाए हैं। आईफोन कोई निकाल लो नहीं। अच्छा जी, नमस्ते जी। जीजा जा रहे हैं घर। हे गाइस, रात को निशु को भूख लग गई है, इसीलिए मैं इसके लिए नूडल्स बना रहा हूँ। खाना खाया था फिर भी रात को उसको भूख लग गई है, इसीलिए मैं उसके लिए नूडल्स बना रहा हूँ। नूडल्स मेरे पास तैयार होने वाला है। पानी इसका ख़त्म हो गया है, ये देखिए सूख गया है। मेरा नूडल्स तैयार हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ उसको देने। चलो, उसी को मैं दे देता हूँ। गैस बंद कर दे रहा हूँ। मेरा नूडल्स तैयार हो गया है। हे गाइस, हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिए। बाकी वीडियो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से भी मेरी बाकी वीडियो देख सकते हैं। बाय।